हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम बात कर रहे थे, वही नीट कट ऑफ की हरियाणा की आ गई है। फाइनल लिस्ट अलॉटमेंट हो चुके हैं कॉलेज, जिन जिन बच्चों के देख के सभी हैरान है। इतनी हाई कट ऑफ, बहुत जहाँ पे यहाँ हरियाणा वालों को जितने में BDS भी नहीं मिल रही, अदर स्टेट में वहाँ पे MBBS भी मिल जाती है। अगर हम बात करें तो हरियाणा में 7 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से एक अग्रसेन अग्रवा वाला सेमी गवर्नमेंट है, उसकी भी कटऑफ बहुत ज़्यादा गई हुई है। अगर हम बात करें तो टोटल जर्नल की सीटें 338, 338 सीटें जर्नल को मिलती हैं टोटल कॉलेजों में से। दो फरीदाबाद में, एक करनाल में, एक खानपुर में, एक हिसार में, PGI रोहतक और मेवात वाले की बात, टोटल 7 हरियाणा में मेडिकल कॉलेज। अगर हम बात करते हैं कितनी कटऑफ गई है, अगर हम फर्स्ट काउंसलिंग में जर्नल की बात करें तो 625 गई है। जिस बच्चे की 625 25 नंबर आए हैं, उसको ही हरियाणा में फर्स्ट काउंसलिंग में MBBS सीट मिली है। उसकी रैंक की बात करें तो 16,348 रैंक है। अब दो दो कैटेगरी हैं हरियाणा में, BCA और BCB, बैकवर्ड ए और बैकवर्ड बी। अगर BCA की बात करें तो उसकी कितनी गई है, उसकी गई है BCA की गई है 587 और BCB की गई है 609। अगर हम EWS की बात करें तो EWS की गई है 614। जिस बच्चे की रैंक 21,442 है, उस बच्चे को EWS हरियाणा में EWS में फर्स्ट काउंसलिंग में MBBS सीट मिली है। SC में भी दो कैटेगरी, SC और SC डिप्रेस्ड। अगर मैं SC की बात करूँ, SC की गई है 515, रैंक है 94,669। SC डिप्रेस्ड की बात करते हैं तो गई है 446, 446, जिसकी रैंक है 1,67,567। ये गई हुई है हरियाणा PGI काउंसिल। अगर हम बात करें सबसे मेन कॉलेज हरियाणा में, एक ही है PGI खानपुर। अगर उसकी बात करें तो जर्नल की कहाँ पे बंद हो गई थी, जर्नल की 4,649, 649 पे क्लोज हो गई थी MBBS की सीट, जिसकी रैंक थी 7,331। एक हरियाणा में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज भी है जो खाली महिलाओं के लिए, फूल भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर। उसकी बात करें तो उसकी कितनी गई, उसकी 631 गई है। 631 पे लास्ट फर्स्ट काउंसलिंग में MBBS सीट मिली है। ये बहुत पहली बार इतनी हाई कट ऑफ गई है हरियाणा में। BDS का भी सेम हाल है। नेक्स्ट वीडियो में आपको BDS की कट ऑफ बताऊंगा। थैंक यू।